रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहन के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ही बहन भाई अपने एक दूसरे की समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करते हैं। रक्षाबंधन के दिन ही बहन के द्वारा भाई के कलाई पर राखी बांधी जाती है तथा सुरक्षा का वचन लेती है। वहीं बहन भाई के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थनाएं करती है। लेकिन मेरठ सिटी के अंदर वहां की छात्राओं ने मिलकर पुलिस कर्मियों के हाथों पर राखी बांधी और उन्होंने अपने तथा देश में रहने वाली हर लड़की के लिए सुरक्षा मांगी है। इस पर पुलिस कर्मी ने सुरक्षा देने का वचन दिया है। इस दौरान छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान देखने मिली। वहीं पुलिस कर्मियों ने भी छात्राओं का हौसला अफजाई किया तथा उनके सुरक्षा के ध्यान रखने का जिम्मा उठाया। ये कार्यक्रम नागौर की मेरठ सिटी तहसील के थाने के अंदर हुआ। सूत्र बांधा है। आज हमें ये कार्य करके बहुत देशभक्ति की भावना आई है और आज पुलिस भैया को राखी बांधकर हम पूरे देश की बेटियों की रक्षा की कामना करते हैं। हमें बहुत गर्व है कि हमने पुलिस भैया से राखी बंधवाई है। उन्होंने हमें वचन दिया है कि वे हमें हमारी सदैव रक्षा करेंगे। आज राखी बांध लिए और हमने उनसे वचन लिया कि वो हमारी पूरे देश की बहनों की रक्षा करें। हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हमने उनकी राखी बांधी है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मयूर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने थर पर आकर पुलिस कर्मियों के साथ जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। मैं इनका स्कूल बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रक्षाबंधन का जो मंतव्य है कि हम पुलिस वाले जो हैं हर सामाजिक बच्चियों को पूरी सुरक्षा देने का वचन देते हैं और किसी भी तरह की किसी को कोई परेशानी हो किसी भी समय हमारे से संपर्क करके अपनी समस्या हमारे से शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उनको कोई परेशानी हो तो उसको दूर। जैसा हमारे स्कूल के ऑनर और ऑर्गेनाइजर डॉक्टर जैन साहब चाह रहे हैं कि हमारे सोसाइटी के अमंगल के आरक्षी आप ही लोग हैं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने इनको इम्पोर्टेंस देते हुए बताया कि समाज का जो अग्रणी तबका है उनको हम राखी बांधना जरूरी हमारा परम कर्तव्य बनता है और हम उसको निभाएंगे। और साहब का भी आभार कि आपने हमें समय दिया।